ओम शांति। आज है 4 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। आइए देखें आज की मुरली में सार में बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर में बाबा बोले, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है, इसी पढ़ाई से सत्युगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, हम आत्मा हैं न कि शरीर, इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य सत्युग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। सत्युग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं, हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। नया भारत कब कहा जाता था? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया पुराना भारत, वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह 5 विकार नहीं होते। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा समझा रहे हैं कि यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा में विकारों में आ गई। इनकी आत्मा भी क्या हो गई? विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। तो इन पंक्तियों को हम दोबारा सुनेंगे ध्यान से। बाबा कहते हैं कि इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सत्युग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलियुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, भगवान वाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं, उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे,
तुमको स्मृति आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं, वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है, नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। क्या कहते हैं बाबा कि नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली, सत्युग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं, ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है, ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा, वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं, आधा कल्प के बाद कौन श्रापित करते हैं, रावण। सत्युग में तो अथाह सुख थे, मालामाल थे, एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट है। सत्युग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट, यह खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं, कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। बेहद के पिता परमात्मा शिव पिता कहते हैं यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं, इनको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। क्या कहते हैं बाबा, क्या समझाते हैं बाबा, समझाते हैं कि कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। बाबा कहते हैं स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। यानी बाबा समझाते हैं सत्युग को स्वर्ग तभी कहा जाता है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं, बाप बिगर और कोई बतला ना सके, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर, आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं, तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। तुम सब कौन हो, एक परमपिता परमात्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि हम सबको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही, उनको कहा जाता है परमपिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं, भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको, तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ,
तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं, कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं, तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। इसको झूठ और गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले, गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। वहाँ झूठ की बात नहीं होती, देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सत्युग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब हैं पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया का स्वर्ग, नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। यानी नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ सब हैं नर्कवासी पतित, सत्युग में हैं पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। कहाँ पे? सत्युग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान। वही रचना रचते हैं, पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे, यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह कलयुग अंत, अभी है कलयुग अंत और सत्युग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सत्युग स्थापन हो रहा है, तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सत्युग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं, तुमको इस पढ़ाई का सुख नहीं दुनिया में मिलेगा। इस पढ़ाई का सुख कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। क्या कहते? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते हैं, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। तुम क्या बनते हो? बहुत साहूकार बनते हो और कभी भी बीमार नहीं पड़ते। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते, इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारियाँ आदि हैं, वह हैप्पीनेस रह ना सके, कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअक्ल हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमोप्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ।
कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्या कहा बाबा ने कि रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल हैं तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। वजीर भी क्या है, तमो प्रधान है। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था। पहले भारत में क्या था, एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अभी है विकारी दुनिया। फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है, भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर वन दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है, इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ, रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियाँ होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने, तो यह भी पढ़ाते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। फिर आकर क्या करेंगे, 5000 वर्ष के बाद आकर पढ़ाएंगे। यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी, पढ़कर तुम देवता बने। 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, पढ़कर तुम देवता बने। 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है, यह दुख धाम, पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी ही निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वह फेल होते हैं, जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। माला कितनी होती है, 8 की और 108 की, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरु, स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूछते हैं। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उनको पूछते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पूज्य से पुजारी। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है, विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। यह खेल बना हुआ है, यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र
कैसे फिरता रहता है, सो एक बाप ही समझा सकते हैं, भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार में, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की क्या हो जाती है, कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, सभी को ओम शांति।